उत्तर प्रदेश से रूबी सिद्दीकी, सुभाष गौर और उसके साथ गुजरात से प्रणव सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही देखिए आपको बता दें कि राजस्थान से भी संजय दत्त संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए उत्तराखंड की बात करूंगी, सुभाष गौर आपके पास आना चाहूंगी मैं। ओमिक्रॉन को लेकर अब जो है वो व्यवसाय पर असर उत्तराखंड में अभी से देखने के लिए मिल गया है, लेकिन देखिए उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन बुकिंग पर्यटक जो है वो रद्द कराने लगे हैं अभी से। जी बिल्कुल पारुल, क्योंकि प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई है यानी कोरोना को रोकने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो शुरू कर दी और प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट रहने के लिए भी कह दिया गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दूसरी लहर में बड़ा खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ा था और खासतौर से पहाड़ के उन क्षेत्रों को भुगतना पड़ा था जहां आज तक इस तरीके के कोई वायरस नहीं पहुंचते थे और वहां कोरोना पहुंचे थे, तो राज्य सरकार नहीं चाहती कि फिर एक बार प्रदेश की स्थिति पहले जैसी हो, तो उसको लेकर पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लगने वाले हों, हिमाचल से लगने वाले हों या फिर नेपाल सीमा से लगने वाले हों, सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया और ये कहा गया है कि जिसकी दोनों वैक्सीन लगी हैं उनके पास सर्टिफिकेट होगा उसके बाद ही उनको उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा, या तो फिर वो RT-PCR की रिपोर्ट लाए उसके बाद ही उनको उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा। तो यही कारण है कि पर्यटक जो है वो डरने लगे हैं, उनको पता है कि जिसके पास वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे हैं या जो RT-PCR करा के नहीं पहुंच रहे हैं उन लोगों का उत्तराखंड में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देखा गया था दूसरे लहर में कई नकली RT-PCR रिपोर्ट लेके उत्तराखंड लोग पहुंच रहे थे, पर्यटक पहुंच रहे थे, जिसके बाद उन पर बड़ी कार्रवाई हुई, पुलिस ने उनको पकड़ा और उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यही वजह है कि पर जो मामले हैं और जिस तरीके की कार्रवाई सरकार कर रही है पूरी तरह से प्रशासन से लेकर सरकार तक पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। ठीक है सुभाष, आपके पास लौटूंगी फिर से। गुजरात से हमारे ब्यूरो चीफ प्रणव सिंह राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणव, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में ओमिक्रॉन का एक मामला अब तक सामने आ चुका है, सरकार किस तरह से मुस्तैद है, गाइडलाइंस क्या कुछ जारी की गई है, प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से गुजरात में ओमिक्रॉन का एक नहीं चार केसेस है, जैसे कि सूरत शहर में एक जो केसेस आया है उनमें जो दक्षिण अफ्रीका से जो आए थे जो 42 इयर्स के जो ओमिक्रॉन के संक्रमित है, लेकिन गुजरात की ओर से और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पे पूरा अलर्ट किया गया है, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं मार्केटों में, मार्केटों में भीड़ लगी हुई है, नहीं सरकार उन पे पूरा ध्यान दे रही है, नहीं प्रशासन पूरा ध्यान दे रही है, नहीं मास्क पहना जा रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जो, और ओमिक्रॉन की बात को मैं कर रहा हूँ, चार केसेस है, लेकिन जो कोरोना है लगातार कोरोना के जो मरीज थे वो कम होते जा रहे थे, लेकिन लगातार 3-4 दिन से जो कोरोना के मरीज है वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है, जैसे 50-60 के केस हर सामने आ रहे हैं पूरे गुजरात में, बताना चाहता हूँ। जी चलिए ठीक है प्रणव, आपका भी दोबारा से रुक करूंगी। रूबी सिद्दीकी भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है। रूबी, जिस तरह से देखिए उत्तराखंड की सरकार किस तरह से काम कर रही है, गुजरात में सरकार किस तरह से काम कर रही है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी अभी ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया, सबसे राहत वाली बात यही है। लेकिन देखिए कोरोना के मामले भी काफी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ती देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो किस तरह से गाइडलाइंस जारी की गई है? अगर देखिए बीते कुछ दिन पहले की बात जाए तो लखनऊ में एक मिनी लॉकडाउन टाइप जैसी गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि अब 50% ही लोगों को सिनेमा हॉल्स में या फिर मल्टीप्लेक्स में जाने की इजाजत दी गई थी, तो उसके बाद अब क्या कुछ पूरे उत्तर प्रदेश का भी हाल है? पारुल देखिए, सबसे पहले बता दूं कि लखनऊ में 1844 लगा दी गई है जी, वजह यही है कि 25 दिसंबर पास में है और 31 दिसंबर आने वाला है, तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि कहीं से भी कोई भी कोरोना को लेकर ना ही बढ़ोतरी हो, और खास तौर से अब नया जो ओमिक्रॉन चल रहा है इसको लेकर भी पहले से इंतजाम कर लिया गया है, और गाइडलाइन जो है उसमें ये कहा गया है कि अब लखनऊ में कोई भी बाहरी एंट्री होती है, खास तौर से एयरपोर्ट हो, बस अड्डा हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, उस सभी जगह पे छोटे छोटे से कैंप लगा दिए गए हैं, और उन कैंपों में जब बाहर के लोग अंदर एंट्री करते हैं तो पहले उनका एक चेकअप होता है, उसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है।
जो है वो पूरी तरीके से इसी बात को लेकर पहले भी कोरोना को लेकर काफी उसकी फजीहत झेलते हुए नजर आए, क्योंकि विपक्ष ने लगातार हमला बोला था और अब ऐसे में वो दूसरे बार अपने आप को यानी कि सरकार अब इस तैयारी को लेकर तैयार है पहले से कि अगर ओमिक्रॉन के कोई भी पेशेंट पाए जाते हैं, हालांकि डॉक्टर हो या यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, पहले से ही यहाँ से मुख्यमंत्री ने हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठक लगातार कर रहे हैं। उसमें उन्होंने खास गाइडलाइन ये दे रखा है कि कहीं से भी अगर कोई मरीज पाया जाता है, तेज बुखार है या कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं, उसको तुरंत एडमिट कर लिया जाए। तो बिल्कुल कहा जा सकता है। रूबी, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी तैयारी पूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब अगले 1-2 महीने में होने वाले हैं, तो उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी है कि कोरोना को लेकर स्थिति ना बिगड़े। चलिए ठीक है रूबी, आपका भी रुख करूंगी। राजस्थान से हमारे संवाददाता संजय दत्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए जिस तरह से राजस्थान में ओमिक्रॉन के 9 मामले एक ही परिवार से सामने आए थे, अभी राजस्थान में स्थिति कैसी है और क्या कुछ गाइडलाइंस है वहां पर? देखिए, गाइडलाइन सरकार ने जारी कर रखी है, उसके बावजूद भी अब ओमिक्रॉन या कोरोना को लेके जो एक डर का माहौल हुआ करता था वो नहीं है, आम लोगों में नहीं है। खास करके सरकारी दफ्तरों के अलावा बाजारों में देखा जाए तो कहीं भी गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। इसके अलावा राजस्थान में शादियों का सीजन चल रहा है, लगातार शादियां हो रही है, जिसकी वजह से भी भीड़ रहती है, उसमें भी कहीं भी न सैनिटाइज मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। उसका परिणाम ये रहा कि अभी के सोमवार को प्रदेश में नए रोगी आए हैं और लगातार सस्पेक्टेड रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी, और इसीलिए संजय कहीं ना कहीं लापरवाही जो लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही, यही नतीजा था कि कोरोना की देश ने सेकेंड वेव देखी, पहली वेव में जिस तरह से हालात थे वो देखे। चलिए फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने राज्यों की ये तमाम गाइडलाइंस, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।